या मेरी भाभी कह रही है कैंडल तो बुझाओ। तो हम लोग हैं अभी पार्किंग में और बहुत मुश्किल से पार्किंग की जगह मिली है। आज संडे है और आज ना बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ है, पूरी पार्किंग फुल है। यही हम लोग कल आए थे तो उतना ज़्यादा नहीं था सैटरडे को, बट संडे को ना मॉल में ज़्यादा ही भीड़ रहता है। मॉल क्या, चंडीगढ़ के हर कोने में भीड़ रहता है। हे गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट में और यहाँ पे पीछे का व्यू देख सकते हैं आप, कितना प्यारा लग रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग बैठ चुके हैं और भैया, दीदी, भाभी सभी लोग आने वाले हैं। तब तक हमने सोचा कि वो लोग आएंगे तब तक हम फ़ोटोशूट करा लेते हैं, कुछ वीडियोस बना लेते हैं। और हम लोग वेट कर रहे थे, यहाँ पे देख सकते हैं पीछे का व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा है। और तब तक भैया भाभी भी आ जाते हैं और यहाँ पे देखिए भैया भाभी आ गए, इनको विशेस दिए, सभी मिल लिए। और अब दीदी की बारी है, दीदी अभी तक नहीं आई थी, उसको आने में थोड़ा सा लेट हुआ था बिकॉज ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। संडे के दिन ना बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहता है मॉल में या कहीं भी रेस्टोरेंट ये सब में, संडे के दिन ज़्यादा ही भीड़ रहता है। तो यहाँ पे सब लोग बैठते हैं और टेबल के बारे में डिस्कस चल रहा था यहाँ पे। यहाँ पे भाभी कह रही है साड़ी पहनी है लहंगा, मेरे को आज ही पक्का हो गया था कि इन्होंने लहंगा डाला है, साड़ी डाला हुआ है, इतना तो फाइनल हो गया था आपको देख के। बट मैंने सोचा था कि आप ना कोई फ्रॉक क्यूट सा मतलब डॉल बन के आइएगा, बट ये फ्रॉक मैंने लिया हुआ था स्पेशली इसके बनने के लिए, लिया हुआ था कि पहनूंगी पर नहीं पहन पाई। दीदी आ जाएंगे लग नहीं रहे थे कि ये रोशन ही है, भाभी आपको पहचान ही नहीं है सब्सक्राइबर्स है कि पूजा भी रही है अच्छा लग रहा है, भाभी भी पढ़ाई करके अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे हम बैठे हुए थे और बहुत ही प्यारे प्यारे से सॉन्ग बज रहे थे और दीदी का वेट कर रहे थे। इतनी फैमिली तो थी लेकिन मम्मी पापा और सभी लोग रहते तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता और इनको भी अच्छा लगता। मम्मी पापा को बहुत बहुत ज़्यादा ही हम लोग मिस कर रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं सारे के सारे आज मतलब एक इंसान नहीं आया इधर, भुक्कड़ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे के सारे भुक्कड़ लोग बैठे हैं, प्लान करके आए हैं दवा के खाना है, इतना आज पूरा पैसा वसूल के खाना है। और बाकी एक मैं भी हूँ और एक और इंसान आ रहा है, ठीक है। बाकी ये हमारा टेबल और व्यू बड़ा अच्छा है। तो हम लोगों ने अपना सीट चेंज कर लिया, हम लोग दूसरे साइड बैठे हुए थे जहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था। बट वहाँ पे ये था, दिक्कत था कि हम सारे लोग एक जगह एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, इस वजह से यहाँ पे चेंज हो गया है सीट। हम लोगों का साइड में देख सकते हैं इधर कोई व्यू नहीं है, एकदम बीच में बैठे हुए हैं हम लोग। लेकिन ये अच्छा था कि यहाँ पे लाइव म्यूज़िक शो चल रहा था तो वहाँ से सीधे हम लोग देख पा रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा। अभी हम लोग जगह शिफ्ट कर लिए क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं था और यहाँ पे मेरी दीदी, भाभी, भैया सारे लोग यहाँ पे आराम से बैठ गए हैं। दोनों भाई आज वाइट वाइट पहने एकदम, दीदी भी वाइट, रणबीर भी वाइट, एक भैया ब्लैक। तो यहाँ पे आ चुका है वेज आइटम पनीर टिक्का, सोया चाप चटनी ग्रीन वाली, और उधर भी लग गया है, इधर भी लग गया। तो अभी सभी लोग खाना पीना खा रहे हैं, भाभी यहाँ पे गोलगप्पा का सारा पानी पी गई है, तालियां। और इधर पति भी पीने वाले हैं, आप भी पीने वाले हैं।
खाती तो नहीं पीती। गोलगप्पा वैसे भी गोलगप्पा का पानी अच्छा है। भाभी रुकवा दे, खत्म हो गया बेचारा बूढ़ा। ओ थोड़ा सा एक बूंद बचा हुआ है। वैसे यहाँ गोलगप्पे का पानी गजब का है। भैया को नहीं अच्छा लगा ना, वो हमारे लिए है सिर्फ। गोलगप्पे का पानी बहुत टेस्ट। पतिदेव का है खाना और ये मेरा स्वीट लवर एंड बेटी का। हाँ हाँ, ये शिवान को खिला रही हूँ। शिवान से यही खाता है सिर्फ।